सींचा है, हमने अपने खून से उस मुल्क को आजाद किया है। मेरे भाई, ऐसे हालात में बल्कि हमको और मुत्तहिद होकर और बेबाक तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। जमहूरियत सबके लिए है, हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इसी कांग्रेस ने हमारा बेड़ा गर्क किया, इसी कांग्रेस ने हमको हमारी मस्जिद हमसे छीन ली, इसी कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया। आखिर कब तक आप इन बरसातियों के सहारे चलते रहेंगे? अरे कभी तो अल्लाह की जात पर भरोसा करो, कभी अपने बाजुओं पर भरोसा करो, कभी अपने दिमाग पर भरोसा करो, कभी अपनी हिकमत पर भरोसा करो, और कभी अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मरतबा साथ दो। मेरे भाई, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जब एक ताकत यहां पर उभरेगी तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग काम करेंगे। मजलिस इलेक्शन लड़ रही है तो सब भाग रहे हैं, सब परेशान हैं। आज आप देख लो कि इलेक्शन के मौसम में राष्ट्रवादी और कांग्रेस इतना परेशान है, जब मजलिस के अराकीन बल्दिया जीत जाएंगे तो मालेगांव की बल्दिया में काम होगा, मालेगांव की बल्दिया में करप्शन का खात्मा होगा। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर सकती है, कर रही है और इंशाअल्लाह ताला करेगी। कि आप अपना कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में यकीनन आप जानते हैं, मगर मैं फिर से आपके सामने इस बात को दोहरा रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है कि इलेक्शन में अगर हम हिस्सा लेते हैं तो अपनी मकबूलियत को मनवाने के लिए नहीं, या फिर अपनी शोहरत में इजाफा करने के लिए नहीं। मजलिस अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मानना यह है कि जब तक मुस्लिम अकलियत सियासत में हिस्सा नहीं लेगी, और जब हम सियासत में हिस्सा लेने की बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि सियासत में हिस्सा ले और उसमें हमको हमारा हिस्सा मिले। और जब तक हम अपनी एक आजाद, अपनी एक आवाज को नहीं रखेंगे, हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन मेरे पास इतना बड़ा सियासी तजुर्बा